Hello, good morning. I'm Dr. Hina from Sigma Dental Clinic, Karnal. Friends, I know आज आप बहुत ही excited हो गए ये जानने के लिए कि क्या है आखिर ये कीड़ा और ये कैसे लगता है दांतों पर. तो मैं आज आपको बताना चाहूंगी कि हमारे मुंह में बहुत से छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं. ये दांतों पर एक लेयर बनाकर रखते हैं जिसे कि प्लाक बोलते हैं. जब हम कोई भी खाना खाते हैं उसमें जो शुगर प्रेजेंट होता है उसमें ये बैक्टीरिया अटैक करना शुरू कर देते हैं. अगर आप रिंस नहीं करते हैं तो शुगर डिपॉजिट हो जाती है दांतों पर, उस पर ये बैक्टीरिया अटैक कर एक एसिड प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारे दांतों पर, जो बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होते हैं, उस पर ये अटैक करना शुरू कर देते हैं और उसे धीरे धीरे सॉफ्ट कर देते हैं. सॉफ्ट होने के बाद टूथ डीके स्टार्ट हो जाता है. तो ऐसे होता है टूथ डीके. तो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्या कोई इसे निकाल सकता है या आप खुद निकाल सकते हैं? तो मेरा आंसर है नहीं, क्योंकि ये बैक्टीरिया एक या दो नहीं होते हैं, ये एक कैविटी में मिलियंस नंबर्स में होते हैं. तो क्या आप उसे निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं. अगर आपको कोई ऐसा कह रहा है तो वो आपको गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है. इसे सिर्फ एक डेंटिस्ट ही रिमूव कर सकता है. एक कैविटी एक दांत का परमानेंट डैमेज है, उसे कोई भी ठीक नहीं कर सकता या वो खुद से ठीक नहीं हो सकती. एक डेंटिस्ट भी उसे रिमूव कर उस पर फिलिंग कर सकता है, वो भी दांत को दोबारा नहीं बना सकता है. तो अगर कोई भी आपको ऐसा कह रहा है, हो सकता है वो आपका दांत का दर्द ठीक कर दे पर टूथ डीके बंद नहीं होगा, उसको आपको ट्रीट करवाना ही पड़ेगा. तो मेरा सजेशन यही है कि आप ऐसे लोगों से बचें जो आपका बेवकूफ बना रहे हैं या आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं.